शुद्ध घी और सरताज जिप्सम। मनोनीत सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद हादसे पर जताया शोक। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया के खिलाफ मुआवजे का ऐलान। हादसे की जांच के दिए गए आदेश। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने राष्ट्रीय संगठन में किए बदलाव। अनिल जैन को बनाया हरियाणा बीजेपी का प्रदेश प्रभारी, तो जगत प्रकाश नड्डा संभालेंगे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी। मनोनीत सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे दिल्ली। पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर मंत्रिमंडल के गठन पर करेंगे चर्चा। दिवाली के पहले बुझे दो घरों के चिराग। सिरसा में सड़क हादसे में पुलिस वाले और उसके दोस्त की मौत। सोनीपत में 40 लाख का चूरा पोस्त बरामद। पंजाब और हरियाणा में होनी थी सप्लाई। और त्योहारों पर सक्रिय व मिलावटखोर, जमकर हो रही है लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़। प्रशासन के दावों के खोली खोल। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बुलेटिन की शुरुआत कर रहा है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर पर जानलेवा हमला किया गया। बता दें आपको कि डॉक्टर कमल बेनीवाल पर बीती रात अज्ञात युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने डॉक्टर के सर पर कांच की बोतल से हमला किया। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में काफी रोष है। इनका आरोप है कि मामले की सूचना मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर को देने के बावजूद भी अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांच की बोतल से यह हमला किया गया डॉक्टर कमल बेनीवाल पर, जिसके बाद कर्मचारियों में यहां पर काफी रोष है। इनका आरोप है कि मामले की सूचना मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर को देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कमल बेनीवाल पर बीती रात अज्ञात युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने डॉक्टर के सर पर कांच की बोतल से हमला किया। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में काफी रोष है। इनका आरोप है कि मामले की सूचना दी गई, इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कांच की बोतल से डॉक्टर के सिर पर यह हमला किया अज्ञात युवकों ने। कमरजीत हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। कमरजीत, विस्तार से बताएं ये पूरा मामला। देखिए, अगर बात करें तो ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का ये मामला है, और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ऐसे मामले पहले भी हो चुके हैं, चाहे वो पुलिस वाले की तरफ से हो, चाहे आम जो पेशेंट वहां पे आते हैं वो डॉक्टरों पे ऐसे हमले हो चुके हैं। लेकिन ये जो ताजा मामला है, ये 20 तारीख रात का मामला है, जब कुछ लोग अपने किसी साथी को घायल अवस्था में, जो लड़ाई झगड़े में घायल हुआ था, उसको लेके हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं और डॉक्टर को इलाज के लिए कहते हैं। डॉक्टर ने जब उसमें जो उसके पेशेंट के साथ लोग आए थे उनको बाहर जाने के लिए कहा, तो डॉक्टर पे ही किसी बात को लेकर तुतुमे होगी, और डॉक्टर बिल्कुल अपनी जब किसी फुटेज में दे सकते हैं, बिल्कुल राम से बैठा हो रही है, कह रहे आप बाहर ले आइए, मैं मरीज का इलाज कर रहा हूँ। इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो मरीज के साथ आए हुए लोग तो बढ़ गए, और उन्होंने डॉक्टर पे हमला कर दिया और बोतल से डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया। और इस चीज को लेकर जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, उनमें कहीं ना कहीं विरोध बना हुआ है। उनका यही कहना है हमारी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए, और हमारी सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में है, हमारी जो जान खतरे में, हम सारा दिन बैठ के काम करते हैं लेकिन हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। इस चीज को लेकर डॉक्टरों में रोष बना है, और डॉक्टरों का यही कहना है अगर कल तक इस पूरे मामले में आज शाम तक इस मामले में कुछ ना कुछ गिरफ्तारी नहीं हुई और जो कार्रवाई नहीं की, तो कल सीएम जो खट्टर नए सीएम खट्टर करनाल पहुंचेंगे, तो हम कल हो सकता है डॉक्टर
ताल पर भी जा सकते हैं। जी। बिल्कुल कमरजीत, लेकिन जिन युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया उनकी शिनाख्त हो पाई है? देखिए अगर बात करें तो अब से थोड़ी देर पहले दोबारा हम हॉस्पिटल में गए थे और हॉस्पिटल में जो जांच अधिकारी थे सिविल लाइन थाना में जहां पे ये कंप्लेंट दी गई है वो वहां पे पहुंचे गए थे और डॉक्टरों की तरफ से और पुलिस की तरफ से यही कहा गया कि जल्दी ही इनकी शिनाख्त कर ली जाएगी और इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी चले कमर जी, शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में लगी आग के पीड़ितों को मुआवजे के आदेश दे दिए गए हैं कि 1,00,000 का मुआवजा पीड़ितों को दिया गया है। साथ ही इस घटना की जांच के आदेश भी अब दे दिए गए हैं। दीपावली पर पटाखे विक्रेताओं का निकला दिवाला, खुशी की जगह फैला दुख का काला साया। पटाखों की आग ने दीपावली की काली, पीड़ितों को 1-1 लाख रूपए मुआवजे का ऐलान। चारों ओर फैली राख के ढेर पर कुछ घंटों पहले खुशी का माहौल था। दीपावली के दौरान जहां पटाखे व्यापारी मोटी कमाई कर मां लक्ष्मी को घर लाने के सपने देख रहे थे, तो वहीं पटाखों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ी। दीपावली की खुशी में जलने वाले पटाखे मातम का कारण बन गए। इस आग की चपेट में 7 लोग आए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है और 233 दुकानें और करीब 100 गाड़ियां जलकर राख हो गईं। व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ, साथ ही खाक हो गई उनकी दीपावली की खुशियां। लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की ओर से अगर सही समय पर मदद मिल जाती तो नुकसान कुछ कम होता। इतना बड़ा हादसा हो गया और अभी तक हम आधे घंटे से खड़े हैं। 2 एम्बुलेंस सारी हमारी हेल्प के लिए आई है, किसी के बच्चे अंदर हैं। फायर की गाड़ी आई थी, अब वापस गई है। अभी पानी लेने के लिए गई है, पानी खत्म हो गया। प्रशासन, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, अभी तक यहाँ की सरकार मुर्दाबाद। मर रहे, एक दादी की डारी है हमारी, एक कोई मर जाए। एक बात बताओ, आग लगी कैसे? कुछ नहीं पता क्या हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि आग छोटे पटाखों और शॉर्ट सर्किट से लगी। वहीं सरकार की ओर से पीड़ित दुकानदारों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात भी कही जा रही है। उसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए, उसकी 15 दिन में रिपोर्ट आएगी और जो भी दोषी होगा उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, हमने अभी सरकार की तरफ से तुरंत माननीय मरोला जी खट्टर के आदेश पर सरकार की तरफ से 1-1 लाख की उनकी तुरंत घोषणा की है। उनकी सरकारी मदद के तौर पर उनकी हम मदद करेंगे। प्रशासन की ओर से पीड़ितों के जख्मों को भरने के लिए मुआवजे का मरहम लगाया जाता है, लेकिन प्रशासन की नींद पहले ही टूट जाती और राहत बचाव के पूरे इंतजाम किए गए होते तो शायद ये नुकसान इतना बड़ा ना होता। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से अनिल जैन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के शानदार प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी संगठन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पार्टी ने तमाम राज्यों के प्रभारियों का चुनाव नए सिरे से किया है। इसके तहत महाराष्ट्र में अच्छे प्रदर्शन का इनाम देते हुए पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव प्रताप रूड़ी को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का प्रभारी बनाया गया है। वहीं हरियाणा में अनिल जैन को यह जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले अनिल जैन हरियाणा के सह प्रभारी थे। दिल्ली की जिम्मेदारी प्रभात झा को तो गुजरात की जिम्मेदारी दिनेश शर्मा को दी गई है। झारखंड का प्रभार त्रिवेंद्र सिंह रावत को, श्रीकांत शर्मा को हिमाचल प्रदेश, भूपेंद्र यादव को बिहार, जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी अविनाश राय खन्ना को दी गई है। इनके अलावा छत्तीसगढ़ में रमाशंकर कथोरिया, गोवा में पुरुषोत्तम रूपाला, कर्नाटक में मुरलीधर राव, ओडिशा में अरुण सिंह, उत्तराखंड में श्याम जाजू और पश्चिम बंगाल में सिद्धार्थ नाथ सिंह को बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी ने प्रदेश में सीएम के लिए मनोहर लाल खट्टर के नाम की घोषणा की। सर्वसम्मति से उनका चुनाव कर दिया गया। मनोहर लाल खट्टर 26 अक्टूबर को पंचकुला के हुड्डा मेला ग्राउंड में शपथ लेंगे। सीएम के नाम की घोषणा होने के बाद मनोहर लाल खट्टर को जेड श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई है। हरियाणा के अगले सीएम बनने जा रहे मनोहर लाल खट्टर के रिश्तेदार बेहद खुश हैं। भवानी खेड़ा कस्बा में मनोहर लाल खट्टर की बुआ कुलवंत कौर और उनके भाई चरणजीत के ससुराल में भी जश्न का माहौल है। आपको बता दें मनोहर लाल खट्टर 26 अक्टूबर को प्रदेश के
नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। लाल खट्टर मेरा भतीजा है और बहुत अच्छा है, नेक काम करता है, सबको काम करेगा, वो सारे हरियाणा को चमका के दिखाएगा। मुख्यमंत्री बन गया, बहुत बहुत बधाई हो उसको, बहुत बहुत खुशी हुई हमारे को, सारे परिवार को खुशी हुई है। वहीं विदेशों में जमा काले धन के लोगों का नाम उजागर नहीं करने को लेकर आलोचना झेल रही सरकार। अब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस पर यह कहा है कि अगर ऐसे नाम उजागर कर दिए जाएं तो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद को बताया कि सरकार विदेशों में कथित तौर पर काला धन जमा करने वाले कुछ लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट को बताने जा रही है। उनमें ऐसे लोगों के नाम बताए जाएंगे जिनके खिलाफ इस मामले में जाँच हो रही है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद मुलाला ने पार्टी की राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा पर निशाना साधते हुए कहा कि हार की जिम्मेदारी किसी एक नेता की नहीं है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा किसी और पर उंगली उठाने से पहले लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें। और तलब है इससे पहले शैलजा ने सीएम हुड्डा को हार का जिम्मेदार ठहराया था। कई लोग अपनी ही पार्टी पर उंगली उठाते हैं, वो उंगली उठाना गलत है। कोई एक आदमी जिम्मेवार हार का या जीत का नहीं होता है, ये सामूहिक काम है, सामूहिक प्रयास है। लोहारू में त्योहारों के मद्देनजर मिलावट खोरों का धंधा सक्रिय स्तर पर है। दुकानदार मिठाइयों में मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इन दुकानदारों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और इसी से लोगों में नाराजगी बनी हुई है। फेस्टिवल सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ने के कारण से दूध वगैरह की कमी होती है, इस कारण से मावा वगैरह की कमी होती है, तो मिलावटी किस दूसरे तरीके से मावा वगैरह तैयार करते हैं। तो जहाँ तक कोशिश ये की जाए कि मिठाइयाँ अपने घर में ही बना करके और दूध से मावा निकाल करके उसी की मिठाइयाँ बना करके खाई जाए तो ज़्यादा अच्छा लगे। चलिए इसी साथ वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, जल्द चाहे देखते रहे आप हरियाणा न्यूज़। More than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. आपका स्वागत है। बहादुरगढ़ में मिठाई विक्रेता मिठाई के साथ डब्बों का वजन भी तौल रहे हैं, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी बनी हुई है। कम दाम वाले गत्तों को भी महंगी मिठाई के साथ तौल कर मिठाई के दाम के भाव बढ़ाए जा रहे हैं। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि एक तो दुकानदार खटिया किस्म की मिठाई बेच रहे हैं और साथ ही डिब्बे को मिठाई के साथ तौल कर आम लोगों की जेब पर भी हाथ साफ कर रहे हैं। बाजार में कोई भी सामान ले जाते हैं, जैसे अभी दिवाली है तो हम मिठाई लेने के लिए जाएंगे तो हमारे को 500 रुपये कम से कम मिठाई मिलती है। उसमें व्यापारी हमारे को आम आदमी को चेपता है कि इस डिब्बे का वजन जो है वो उसके साथ तोल देता है। इस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे और इनको जो है थोड़ा इन पर कार्रवाई करे जिससे आम ग्राहक कोई नुकसान ना हो। रोहतक से नवनिर्वाचित विधायक मनीष ग्रोवर ने कहा कि वो जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के हितों का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा और लोगों में विश्वास की भावना पैदा की जाएगी। सिरसा के NH9 पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें एक तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार पुलिसकर्मी और उसके दोस्त को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये दोनों ही मृतक दिवाली के मौके पर अपने घर जा रहे थे। पुनहाना के जामलगढ़ में गांव में एक महिला ने अपने दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पता जा रहा कि जमीन झगड़े को लेकर महिला काफी परेशान थी। महिला का शव उसी के घर में रसोई में पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
सोनीपत में पुलिस ने अवैध चूरा पोस्त की बरामद की है। आपको बता दें चूरा पोस्त के करीब 75 बैग बरामद किए गए हैं जिनकी कीमत 40 लाख रुपए है। तकरीबन 3000 किलोग्राम अवैध चूरा पोस्त बरामद किया गया है। इस चूरा पोस्त को मध्य प्रदेश से लाया गया था जिसे पंजाब और हरियाणा में सप्लाई किया जाना था। उनको सूचना मिली कि एक प्रताप सिंह संत मलुक सिंह है जो समाणा बाहू करनाल में रहता है, वो भारी मात्रा में चूरा पोस्त के साथ जीटी रोड पर एक फैक्ट्री के सामने बैठा हुआ है। तो इन लोगों ने वहाँ पे एक टीम तुरंत प्रिपेयर करके रेड किया, तो वहाँ पे इनको 75 कट्टों में चूरा पोस्त बरामद हुई। भिवानी के लोहारू रोड पर एक बाइक सवार ने व्यापारी से 75,000 रुपए की लूट की। बताया जा रहा है कि बाइक सवार ने खुद को पुलिस वाला बताया और बाद में लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने व्यापारी से मारपीट भी की और पैसे लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवानी के लोहारू रोड पर एक बाइक सवार ने व्यापारी से 75,000 की लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा कि बाइक सवार ने खुद को पुलिस वाला बताया, गाड़ी को रोका और उसके बाद इस व्यापारी से 75,000 रुपए लूटे और विरोध करने पर व्यापारी के साथ मारपीट भी की और पैसे लेकर फरार हो गया। पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया है और जांच इसकी की जा रही है। अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है भिवानी में, जहाँ लोहारू रोड पर एक व्यापारी से 75,000 की लूट की गई। कलावली के डबवाली में एक निर्माणाधीन मैरिज पैलेस की छत पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने दोषी ठेकेदार और साथ ही बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस से इसकी शिकायत की गई है। पुलिस ने यह मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का ठेकेदार और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप, भी मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। बता दें आपको कि कलावली के डब्बाली रोड पर यह निर्माणाधीन मैरिज पैलेस था जिसकी छत से गुजर रही हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।